हुनरमंद होने की ताकत आज सबके समझ में आ रहा है और जिसका फर्क दिख रहा है। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि देश के युवा हुनरमंद हों और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये तभी हो सकता है जब युवा हुनरमंद होंगे। इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुई स्किल इंडिया मिशन की आज प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों पर युवाओं को हर तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद इन युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। स्किल इंडिया मतलब कौशल के क्षेत्र में हर तरह से निपुणता, कौशल भारत, कुशल भारत, ये दो शब्द भारत को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए एक आह्वान के मंत्र हैं। लड़कियों और महिलाओं के इतनी बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षित होने से एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। स्किल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सहयोग से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। हमारे यहाँ अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं था बिफोर स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हर एक इतने बड़े स्तर के ऊपर, हर एक डोमेन में, हर एक इंडस्ट्री के लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स हो। सो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट विच हैज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म विजन इनटू इट एंड इट कैन टेक इंडिया इन अ वेरी वेरी डिफरेंट प्लेस यू नो वर्ल्ड वाइड। स्किल इंडिया मिशन के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज देश में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ दो मोबाइल फैक्ट्री थी, जस्ट टू। आज देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है अलोंग विद कंपोनेंट। भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया है। भारत को हम मेजर एक्सपोर्ट हब बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। युवाओं को चाहिए कि वो कौशल प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाकर देश के विकास को गति दें और करें निर्माण नए भारत का। हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।